तो चैलेंज के माध्यम से ये हमारा 12वां दिन होने वाला है और यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने लॉगिन करके दिखा दूँ। ये हमारा वही स्मॉल अकाउंट है और कैपिटल बढ़ के 1,19,000 हो चुके हैं, ठीक है। और अभी कोई पोजीशन कोई ऑर्डर आपको देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज अभी मार्केट ओपन ही नहीं हुआ है, तो जैसा भी होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज मेरा विचार जो है वो पुट सेल करने का ज़्यादा है। इधर के आसपास मैं पुट बेच सकता हूँ, ये ग्रीन जोन के आसपास, ठीक है, उधर का तो मैं कॉल बेच सकता हूँ। इसके बाद अगर बात करोगे आप तो इसके नीचे मैं कहीं ना कहीं इधर के आसपास पुट बेचने के फिराक में रहूँगा। अगर मार्केट कोई अपॉर्चुनिटी देगी तब की मैं बात कर रहा हूँ। और वैसे ही अगर निफ्टी की भी बात करोगे आप तो निफ्टी की बात करोगे आप तो ये मेरे लिए पूरा का पूरा एक तरह से मान लो कि पुट सेल करने का ही इलाका है। अभी मार्केट खुला नहीं है, मार्केट ऐसे ओपन होता है, फिर मैं आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करूँगा। वहीं अगर कॉल बेचने की बात करोगे आप तो कॉल बेचने के लिए मैं ऊपर के साइड का ये लेवल ट्रेस कर सकता हूँ। ऊपर की तरफ इधर अगर मौका देगा मुझे मार्केट तो मैं इधर के आसपास कॉल बेच सकता हूँ, ठीक है। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो मार्केट हमारे बाइंग रिडार पर ओपन हो गया है, ठीक है, और वहीं से कहीं ना कहीं डाउन साइड का मूवमेंट दे रहा है। ये निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ। वहीं अगर आप बैंक निफ्टी की बात करोगे तो बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ें हो रही हैं। अभी वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, जैसा भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो फाइनली चलता हूँ, मैं ऑर्डर ले लेता हूँ, ठीक है। अभी तक मैंने कोई ऑर्डर लिया नहीं है। मार्केट में एक साफ बाइंग आने आती हुई दिख रही है मुझे। थोड़ा सा लगता है मैं लेट हो चुका ऑर्डर लेने में, बट कोई बात नहीं है, मैं फिर से ले लेता हूँ। तो यहाँ देखो यार, एक शार्प अप साइड एंड डाउन साइड का मूवमेंट आया है। हमने ऑर्डर लेने में थोड़ा सा लेट हो गया, इसकी वजह से मैं बच गया। अदरवाइज अभी यहाँ पर हमारे एक एसएल जा चुके होते, देख सकते हो कि मैं ऑर्डर अभी नहीं ले पाया हूँ, कोई भी ऑर्डर पड़ी हुई नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा किस्मत का रोल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं एंट्री सटीक जगह पर लिया होता तो शायद मुझे एसएल का सामना करना पड़ सकता था, बट कोई बात नहीं। अभी हम वेट करते हैं बेटर प्राइस का, बेटर जगह पर एंट्री लेने का, देन आपके साथ चीज़ें शेयर करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा भी वेट कर लेते हैं। तो अभी देखो निफ्टी में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो मैं बैंक निफ्टी को इग्नोर करता हूँ और निफ्टी में काम करता हूँ। निफ्टी में क्यों काम कर रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी में भाई एसएल बहुत ही ज़्यादा छोटे मिल रहे हैं, ठीक है। तो जिसमें एसएल छोटे मिलेंगे मेरा काम है कि हम उसी में काम करेंगे, ठीक है। सिंपली यहाँ से जल्दी जल्दी ट्रेड कर लेते हैं। हो जाए भाई, बस देखो फ्री है, बास्केट ऑर्डर लगाना इसमें फ्री है। कुछ लोग कर रहे थे मुझसे कि सर पैसे लेता है, नहीं पैसे नहीं लेता है, फ्री है। मेरे पास कोई देखो पेड वाला प्लान नहीं है। अगर मैं इसका कुछ ये ओपन इंटरेस्ट इंटरेस्ट खोलूँगा ना तो ये प्लान मांगेगा पेड वाला। देखो यहाँ पर मैं कुछ सर्च करूँगा, देखो प्लान मांग रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट वाला, पर भी आप कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है पेड वर्ड लेने की। हमें तो ऑर्डर ही लगाना है केवल, ऑर्डर तो आप मैनुअली भी लगा सकते हो, कोई इतना खास इशू है नहीं। ऑर्डर हिस्ट्री में आकर देख लो, 9:45 पर ट्रेड ले रखा है और यही चल रहा है, जो भी चल रहा है प्रॉफिट प्रॉफिट। मार्जिन देख लो, कुछ लोग मार्जिन को पूछते हैं, 70 मान लो 80,000 रुपये लगे हुए हैं, ठीक है। दो लोड बेच रखा है, नॉर्मली मैं कुछ ना दूर हेज कर नहीं देगा, लेकिन एंजल में आज आप कोई कितना दूर हेज करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसको काफ़ी अच्छा खासा मार्जिन भी दे देता है। और यही है अपना जो भी चल रहा है, ट्रेड लेने के बाद प्रॉफिट में चल रहा है। हमने बॉटम में ट्रेड ले रखा है कि ध्यान रखना, बॉटम इन द सेंस एकदम बॉटम में। और एसएल की बात करोगे आप तो यही मेरा इतना छोटा सा स्टॉप लॉस है केवल, इसी की वजह से हमने निफ्टी में काम किया हुआ, क्योंकि निफ्टी में काफ़ी छोटे स्टॉप लॉस हैं। और अब एक चीज़ समझ जाओ कि मार्केट मेरे अगेंस्ट भी अगर जाएगा तो मैं लॉस नहीं लेने वाला हूँ, कहीं ना कहीं कोस्ट टू कोस्ट के आसपास निकलने का ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन लॉस नहीं लूँगा। देखो अब आप लोग सोचोगे कि यार इतने छोटे प्रॉफिट में से बात कर रहा हूँ, देखो प्रॉफिट छोटा है इससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को ये फ़र्क मैटर करता है कि भाई साहब उस ट्रेड पर मैंने रिस्क कितना लिया हुआ है। अगर मैंने ट्रेड पर रिस्क लिया हुआ है 100 रुपये का, अगर मुझे 200 का प्रॉफिट दिख रहा है तो मतलब मैं 1:2 पर चल रहा हूँ। वहीं अगर मैं रिस्क ट्रेड पर रिस्क लिया हूँ 10,000 रुपये का, तो मुझे 20,000 का प्रॉफिट चाहिए, तब वो मेरे लिए कहीं ना कहीं संतोषजनक प्रॉफिट होगा, ठीक है। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो कि मैं किस संदर्भ में कहना चाह रहा हूँ। अभी 200-300 का प्रॉफिट चल रहा है, इसको चलने देते हैं, इतना से कोई फ़र्क है नहीं, अभी मार्केट और ऊपर जा सकता है। और हमने बॉटम में ट्रेड किया हुआ, हालांकि ट्रेड लेने के बाद 1:1 का तो हमें दे रखा है प्रॉफिट, लेकिन अभी वेट करना हमारा कर्तव्य है, तो अभी हम वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ऐसे आप अगर टारगेट की बात करोगे ना तो देखो मेरे लिए अब जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो इधर के आसपास का डे हाई, या फिर मैं यूँ कहूँ कि ये गैप का एरिया भी हो सकता है एक बढ़िया सा प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए इलाका। तो
बट वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मार्केट उसके भी ऊपर जाने को, अगर इसके ऊपर भी सस्टेन करेगा तो उसके ऊपर भी जा सकता है, तो भी वेट करना बनता है। देखो जहाँ से हमने एंट्री करके रखा हुआ है ना, वहीं से हमें प्रॉफिट दिख रहा है, लॉस के दर्शन नहीं हुए। मैं इसीलिए बार बार आप लोगों से बोलता हूँ कि अगर आप लोग की एंट्री सही जगह पर हो रही है, तो मान लो कि आप सही डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो, सही आप ट्रेडर कर रहे हो, सही आप ट्रेडिंग कर रहे हो। क्योंकि अगर मेन मार्केट में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंट्री। अब आपकी एंट्री मैंने यहाँ पर कर ली, तो एंट्री यहाँ पर कर ली तो मार्केट यहाँ से जितना ऊपर जाएगा उतना ही ज़्यादा मेरे फेवर में जाएगा, ठीक है। जितना मेरे अगेंस्ट आएगा उतना ही मुझे नुकसान होगा, और मेरा स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा सा है जैसे कि आप देख सकते हो। और प्रॉफिट की बात करोगे तो 400 के आसपास का चल रहा है, 400, 500, 500 हो गया, ठीक है। मतलब कि मेरे फेवर में लगातार जा रहा है, और अब इस ट्रेड में मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। एक ही दिमाग में डाल लूँ, मेरे अगेंस्ट में अगर जाएगा तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास काट लूँगा। अब मेरा जो एसएल हो गया ना, वो एसएल अब क्या लगता है कि अब मैं यहीं एसएल लेके बैठा रहूँगा? नहीं यार, मार्केट में तो फिर मैं जा चुका है काम भर का, तो मेरा एसएल कहीं ना कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास इस रेड कैंडल के हाई के आसपास हो गया, ठीक है। इस कैंडल के हाई के इसके नीचे अगर आता है तो मैं पुश एसएल ट्रेलिंग एसएल काट लूँगा, अगर इसके ऊपर आता है तो मैं अभी वेट करता हूँ। अभी आप अभी बात करोगे प्रॉफिट के, तो आप प्रॉफिट देख सकते हो साइड में, हमने लगा रखा है 400-500 का प्रॉफिट चल रहा है। अभी प्रॉफिट देखो, अभी देख सकते हो कि 650 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर आपको दिखने लगा, 500 रुपये का दिख रहा है, ठीक है। अगर वही मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते हो 500-600 यही चल रहा है, ठीक है। अभी वेट करते हैं, आज फ्राइडे है, उतना ज़्यादा ट्रेड देखना तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ फिर भी एक डिसेंट सा मुझे ट्रेड आज मंडे पर देखने को मिल सकता है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं, जैसा भी होगा हम आपके साथ चीज़ें शेयर करेंगे। तो देख सकते हो अभी जो निफ्टी है ना, वो कहीं ना कहीं इधर के आसपास कॉन्सोलिडेट कर रहा है, प्रॉफिट 500 के आसपास का चल रहा है, ठीक है। मार्केट काफ़ी फास्ट मूवमेंट नहीं दे पा रहा है, जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करके अपसाइड का मतलब मूवमेंट देगा ना, तो मार्केट फिर कहीं ना कहीं आज का डे हाई तो दे सकता है, ठीक है। अभी 600-700 यही चल रहा है, अभी वेट करें देखते हैं। अभी इसे समझ जाओ, मेरे अगेंस्ट जाएगा तो मैं लॉस नहीं लूँगा, छोटा मोटा प्रॉफिट लेकर के निकल जाऊँगा, बट वेट करेंगे कि ताकि मुझे प्रॉफिट हो जाए। क्योंकि एंट्री देखो हमारी काफ़ी सही जगह पर हुई है, तो चीज़ें हमारे फेवर में जाने के मैक्सिमम चांसेस हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है अभी। तो फाइनली देख लो, 900-1000 रुपये का प्रॉफिट मेरे को दिखा रहा है दो ही लॉट में, और मार्केट मुझे एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी दे रखा है। अब मुझे डरने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ तक आएगा तो मुझे 2000 का प्रॉफिट तो इजीली हो सकता है। बट अभी वेट करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि देखो जब तक वेट नहीं करेंगे ना, तब तक मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि वेट करेंगे तभी अच्छा लगेगा, वेट करेंगे तो बड़ा प्रॉफिट होगा, यही होगा। अगर अगेंस्ट जाना होगा तो मेरे अगेंस्ट आएगा, तो 800 का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट हो सकता है, मुझे 500 में बुक करके भागना पड़े, यही होगा ना बस करने से। उसके लिए भी रेडी हूँ, वेट करते हैं। ट्रेलिंग एसएल मान लो कि मैं अपना यहाँ से शिफ्ट कर लेता हूँ, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अभी रनिंग की मैं बात करूँ तो 600 रुपये का प्रॉफिट चला है, प्रॉफिट मेरा बढ़ करके गया हुआ था 1000 के आसपास का। अब मेरा ट्रेलिंग एसएल जो है ना इधर के आसपास हो गया। अगर इस रेड कैंडल के नीचे मार्केट जाता है तो मैं अपनी पोजीशन काट करके निकल जाऊँगा, और अगर इस पोजीशन इस कैंडल के ऊपर मार्केट कहीं पर रहता है तो अभी मैं वेट करूँगा, यही हमारा काम है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, जैसा होगा हम आपके साथ लास्ट में शेयर कर देंगे। तो अभी देख सकते हो अभी मार्केट हमारे फ्लोर में जा रहा है, और फर्स्ट जो रिट्रेसमेंट किया ना वो यहाँ से किया, तो मेरा जो एसएल यहाँ से था ना, अब मैं एसएल को यहाँ से रख के यहाँ पर कर लूँगा, ठीक है। इसके नीचे का मार्केट जाता है तो मैं अपनी पोजीशन काट दूंगा, अदरवाइज मैं बैठा रहूँगा, कहीं ना कहीं मार्केट आज का जो गैप है उसको भी फिल कर सकता है, ठीक है। तो अभी वेट कर रहे हैं, अभी 800-900 का प्रॉफिट चल रहा है, इसे समझ लो मेरे अगेंस्ट जाएगा तो भी मैं 500-600 का प्रॉफिट लेकर ही जाऊंगा, कोई लॉस लेकर के जाने वाला हूँ नहीं, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, वेट करना बनता है। तो अभी देख लो मार्केट अच्छा करके ब्रेक कर दिया, और प्रॉफिट 1500-1600 का चल रहा है, ठीक है। रनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, अभी वेट करते हैं। अभी मार्केट आज का डे हाई तो एटलीस्ट दे ही सकता है, नहीं भी देगा तो मुझे कोई नुकसान तो नहीं है, नहीं सके आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता रखा है। क्योंकि अगर अगेंस्ट आएगा तो इसके नीचे मैं काट दूंगा, इसके ऊपर तो उस बना ही रहूँगा। अभी देखते हैं, जितना ज़्यादा मार्केट पर जाएगा ना, उतना ही ज़्यादा मैं अपना ट्रेलिंग एसएल को ट्रेल करते हुए जाऊँगा। वेट करना बनता है, 1600-1700 का प्रॉफिट चल रहा है, डिसेंट सा प्रॉफिट मैं ऑलरेडी हूँ, देखते हैं क्या होता है। 1600-1700 का प्रॉफिट चल रहा है, और मार्केट हमारे ट्रेलिंग एसएल को हिट नहीं किया हुआ, मार्केट एक तरफ हमारे तरफ जा रहा है, तो हम अपना ट्रेलिंग एसएल फिक्स करके रखे हुए हैं। देखो टारगेट की अगर बात करोगे तो टारगेट मेरे लिए कहीं ना कहीं ये जो लेवल है ना, इधर के आसपास का लेवल हो सकता है, आज का डे हाई से बात करोगे और गैप का एरिया, ठीक है। और एसएल तो अभी मैंने अपना इधर के आसपास रखा हुआ ही है, ठीक है। अभी बीच में मैं आके कहीं ना कहीं एक और स्विंग बनाएगा तो मैं अपना ट्रेलिंग एसएल उधर के आसपास शिफ्ट करने का ट्राई करूंगा। बिकॉज देखो मार्केट क्या करता है, मार्केट हमेशा हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट ले जाने का मौका जरूर जरूर देता है, बट कभी कभी हम लोग प्रॉफिट लेकर नहीं जा पाते हैं, ठीक है। और एंट्री अगर सही है, हमने यहाँ पर एंट्री किया, मार्केट से एक तरफा हमारे तरफ भी तो जा रहा है, कहाँ रुका हुआ है, ठीक है। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, टारगेट दे दे
या तो मार्केट ऐसे गिरने लगेगा तो मैं पोजीशन इसके एग्जिट करूंगा, यही दो रीजन है, इसके पहले मैं एग्जिट करने वाला नहीं हूँ। तो देख सकते हो अभी 1450 प्रॉफिट चल रहा है, मार्केट ने एक और स्विंग बना दिया। तो अब मैं अपना एसएल यहाँ से हटा करके एक अपना एसएल और ऊपर का टाइप सेट कर देता हूँ। ये एसएल हमारा हो जाएगा अब इधर के आसपास का, ठीक है। इसके नीचे का मार्केट जाएगा तो मैं पोजीशन काट दूंगा, इसके ऊपर रहेगा तो मैं वेट करूंगा, ठीक है। मार्केट जितना जैसे को मार्केट देखो एक इस तरह से जोन बनाते हुए जा रहा है, ठीक है, इस तरह से अपना पैटर्न बनाते हुए जा रहा है अपसाइड की तरफ, ये अप ट्रेंड का निशान ही है, ठीक है। और हम लोग भी ट्रेड लिए हुए हैं अपसाइड का ही, तो वेट करना बनता है, देखते हैं क्या होता है, जैसे वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो फाइनली मार्केट भी क्लोज हो चुका है और आज हमने टोटल 980 रुपये का मात्र प्रॉफिट वो कर पे आया हुआ है, जिसमें हमने 2 लॉट बेचा हुआ था पुट 18,700 का। एक बार मैं आप लोग के साथ रिफ्रेश कर दूँ ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 980 रुपये का प्रॉफिट बुक कर पाया हुआ है। अब आपको मैं अपना ऑर्डर हिस्ट्री दिखा दूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखो ट्रेड लिया 9:45 पर और एंट्री एग्जिट किया 10:45, लगभग 1 घंटे का ट्रेड था। और आप देख सकते हो कि इस दौरान मार्केट ने क्या किया वो मैं आपको मार्केट का यहाँ पर लोहिया दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा, और यहाँ से सिंपली मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको भी ईजी हो जाए। और यहाँ से मैं 5 मिनट चार्ट लगा लेता हूँ। देखो 10:45 कहाँ होता, बॉटम में। आज भी हमने आपके आंखों के सामने मार्केट का एकदम बॉटम पकड़ा हुआ है और उसके बाद हमने एग्जिट किया 10:45 इधर के आसपास, जब मार्केट ने यहाँ से अप से जाने के बाद एक काफ़ी भयंकर गिरावट आ गई, उसके बाद से हमने एग्जिट कर दिया। इसमें मेरे को लगभग 1800-1700 के आसपास का प्रॉफिट मैक्स प्रॉफिट गया हुआ था, बट जब देखो चीज़ें अगेंस्ट आने लगती है तो हमने पोजीशन को काटा, ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ जिसमें मेरे को लगभग 1000 का प्रॉफिट हुआ, मतलब मान लो कि आधा प्रॉफिट बुक हो पाया। टारगेट कहने के के आसपास था, हालांकि मार्केट ने गिरावट दी उसके बाद फिर कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ का मूवमेंट दिया हुआ, डे हाई के आसपास से फिर मार्केट गिरा। टोटली कहीं ना कहीं आज ये आप कह सकते हो कि मार्केट टोटली कहीं ना कहीं साइडवेज था, बट फिर भी हमने बॉटम पकड़ के कहीं ना कहीं प्रॉफिट लेने का ट्राई किया हुआ है। इस टाइम जो है ना ऑप्शन सेलर्स का थोड़ा सा बुरा दिन चल रहा है, रीज़न ये है कि प्रीमियम काफ़ी धीरे धीरे कम हो रहे हैं और जब बढ़ने की बारी आ रही है तो जल्दी बढ़ जा रहे हैं, ठीक है। बट उतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, थोड़ा मोड़ा चलता रहता है मार्केट में। देखो मुझे खुशी इस बात की होती है कि आपकी एंट्री सही होनी चाहिए, हमने जहाँ से एंट्री की मार्केट वहीं से गया। इस पूरे हफ्ते हमने नॉन स्टॉप टॉप एंड बॉटम पकड़ा है। जो लोग मुझे रेगुलर देख रहे हो, आज मैंने बॉटम पकड़ा, कल टॉप पकड़ा, परसों भी टॉप पकड़ा, इसके पीछे बॉटम पकड़ा, इसके पीछे टॉप पकड़ा, कहीं ना कहीं डेली टॉप एंड बॉटम पकड़ा है। लोग काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि टॉप बॉटम पकड़ना इम्पॉसिबल है, बट देखो पॉसिबल है। मैं एक दिन का नहीं, मैं डेली दिखा रहा हूँ। और कितना छोटा सा स्टॉप लॉस था पहले ये देखो, इतना छोटू सा स्टॉप लॉस था, इतने छोटू स्टॉप लॉस में पूरा का पूरा मार्केट घूम गया, ठीक है। और इस समय जो मैं आपको ऑप्शन करके दिखा रहा हूँ ना, वो आपको एकदम सेफेस्ट वे में दिखा रहा हूँ ताकि किसी भी कीमत पर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले ही नहीं रहे हो। आप ऑप्शन के फील्ड में काम करके 200-300-400 का अगर रिस्क ले रहे हो 2-3 लॉट पर, तो बहुत ही कम एक तरह से ना के बराबर ही रिस्क है। तो उस हिसाब से मैं कहने के ट्रेड आपको दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ। अगर आप लोग जो लोग भी नए हो, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि पहले आप चीज़ों को समझने का ट्राई करो, सीखने का ट्राई करो, जब आपके पास सही नॉलेज आ जाए तब आपको बड़ा प्रॉफिट लगाओ, ठीक है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो काफ़ी सेफेस्ट वे में कर रहे हो तो आपको लॉस कभी हो ही नहीं सकता बड़ा, ठीक है। आपको कितना भी लिख लो मेरे से कभी बड़ा लॉस हो ही नहीं सकता। लोग बोलते हैं यार मेरे 2 लाख 4 लाख घुस गए मार्केट में, घुस गए इसलिए क्योंकि आपने मार्केट को दे दिया, आपको उतना देना ही नहीं है, आपको पहले चीज़ों को सीखना है, अपना पिन 2-3 दिन के ग्रीन करना, उसके बाद बड़े लॉट लगाने हैं, फिर बड़ा बड़ा काम करना है, ठीक है। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। अगर आप इसी तरह की एंट्री टॉप बॉटम कैसे पकड़ना है, जैसे मैं एंट्री लेता हूँ ये सारे लेवल्स कैसे निकालने हैं, ये सारी चीज़ें एकदम डिटो सीखनी है। एक चीज़ आपने और नोटिस किया होगा अगर आप मेरी वीडियो को रेगुलर देखते हो तो, कि मैं मार्केट ओपन होने के बाद कोई एनालिसिस नहीं करता। मैं नहीं बोलता कि भाई साहब ये सपोर्ट टूट गया या रेजिस्टेंस टूट गया या ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया, ये हो गया वो हो गया। सारी चीज़ें मेरी मार्केट खुलने से पहले मैं सिंपल 2 जोन बनाता हूँ, एक बाइंग के लिए एक सेलिंग के लिए। बाइंग पर आएगा तो बाई करता हूँ, सेलिंग पर आएगा तो सेल करता हूँ। कहाँ पर करता हूँ, बाइंग में कहीं ना कहीं बॉटम में करता हूँ, सेलिंग कहीं ना कहीं टॉप पर करता हूँ। इतना ही ईजी है मार्केट। जो लोग को मार्केट टफ लगता है यार, तो समझो तरीका थोड़ा सा अपना सही कर लो, बाकी मार्केट काफ़ी ज़्यादा ईजी है। अगर आप ये सारी चीज़ें इन डेप्थ में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम एडवांस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा एप्लीकेशन बिंग ट्रेडर प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसमें मैं आपको डिटेल में जैसे मैं डेली का ट्रेड लेकर बता रहा हूँ, आपको कैसे लेवल निकालना है, कैसे टॉप बॉटम पकड़ना है, A to Z चीज़ें आपको मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में वेबिनार मिल जाएगी। अगर आप वहीं इन सब चीज़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी सीखना चाहते हैं तो आप मास्टर प्रोग्राम लाइट ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्या क्या सिखाया जाएगा ये यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मेंशन कर दी गई हैं। आप हमारा वेबसाइट www.bintradeofficial.com इसको भी चेक कर सकते हो, या साथ ही साथ हमारा आप एप्लीकेशन प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप मेरे लिए वो लिंक से डिमेंट अकाउंट पर करके ट्रेड करते हो तो आपको ये वाला कोर्स बिल्कुल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, 1 मंथ ट्रेडिंग चैलेंज देख लो, कैसे कम कैपिटल से अपना कैपिटल ग्रो करना है ऑप्शन सेलिंग करके।
ऑप्शन के फील्ड में नए हो ऑप्शन सर्टिफाइड कोर्स देख लो, और भी कुछ प्लेलिस्ट है जो आपने कॉलेज देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।